अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ चिकन मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हम बनाएंगे एकदम वेस्टर्न स्टाइल, और आपको ना इतना ये पसंद आने वाली है रेसिपी। ये इतना डिलीशियस बनेगा और चिकन भी जो रहेगा ना वो इतना सॉफ्ट बनेगा, आपका जूसी चिकन बनेगा, तो ये देख लीजिए आप। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम 1 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड डालेंगे, 1 टीस्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें, और साथ ही में हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 1 सिनेमन स्टिक डालेंगे, 3 से 4 हम लौंग डालेंगे और 3 से 4 हरी इलायची डालेंगे, और हम 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 2 लाल मिर्च डालेंगे और 1 स्टार एनिस होता है ना वो डालेंगे, और इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। जब थोड़ी सी खुशबू आने लगे ना मसाले की तो हम इसे निकाल देंगे, और हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और उसमें ये थोड़ा ठंडा करने के बाद इसे डाल देंगे, और इसमें हम 1 टीस्पून हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया है, और इस मसाले को आप ना कोई और रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा लगता है मसाला, आप ये बना के भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन को बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है, साथ ही में मैंने ऑयल को गरम करने रख दिया था, तो इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे और हम इसे ब्राउन होने तक चला लेंगे, और इसे हमें ना कंटिन्यूस चलाते रहना है, वरना ना कोई अनियन में लाइट कलर आएगा, डार्क कलर आएगा, ऐसा आ जाएगा। तो हम इसे चलाते रहेंगे तो उसमें सेम कलर आता है, तो आप देखते जाइए इस तरह से, आप इसे रेडी कर लीजिए। जब इस तरह से कलर आ जाएगा ना तो हम इसे निकाल देंगे और साइड में रख देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने 1/2 केजी चिकन ले लिया है, इसे मैंने नमक और विनेगर के पानी में वॉश कर लिया था, 15 से 20 मिनट रख दिया था और वॉश कर लिया था, और चिकन पे ना इस तरह से मैंने कट्स लगा दिए, इससे ना मसाले अच्छे से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और चिकन भी हमारा बहुत ज़्यादा जूसी बनता है। अभी हम इसमें 150 ग्राम दही डाल देंगे, दही खट्टा नहीं होना चाहिए आपका, आप ध्यान देना इस बात में, और साथ ही में 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून हम जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ले लेंगे, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जो हमने प्याज ब्राउन की थी ना इसे हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और वो भी इसमें हम मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अनियन को ब्राउन किया था, तो हम इसी में बनाएंगे हमारा चिकन मसाला। तो यहाँ पर मैंने 1 तेज़पत्ता इसमें ऐड कर दिया है, और ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, और ये स्लो फ्लेम पे ही हमें डालना है और इसे थोड़ा सा चला लेना है, और जो अभी हमने मैरिनेशन किया था ना चिकन का वो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। हमें इसे भूनते जाना है चिकन को, चिकन अपना पानी भी जो है ना वो रिलीज़ करेगा अभी, तो इसे हमें हाई फ्लेम पे ही, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस तरह से भूनते जाना है। साथ में मैंने 1 कप टमेटो प्यूरी ऐड कर दिए, और सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर देना, और हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये 10 से 15 मिनट्स मैंने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर चला लिया था, तो चिकन ने अपना जो पानी है वो रिलीज़ कर लिया है, तो अभी हम जो हमने पाउडर बना के रखा था ना वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसे भी हम अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी हमारे मसालों में रॉ स्मेल है ना वो सारी निकल जाए, और इसे अभी हम ढक के पकाएंगे 15 से 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद जब आप ओपन करोगे ना तो इसका पानी ड्राई हो जाएगा, काफ़ी पानी ड्राई हो गया है, और अभी इसे और 5 मिनट के लिए हाई हीट पर हम पका लेंगे, और ये अभी रेडी हो गया है। तो हम इसमें थोड़े से कोरिएंडर के पत्ते डाल देंगे, धनिए के पत्ते, और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। आप देख सकते हो इसका कलर टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है,
तो हमारा ये चिकन मसाला बन के रेडी हो गया है, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। और ना आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, साथ ही में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इसे आप ना राइस के साथ, रोटी के साथ और नान के साथ, कुलचों के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत अच्छी लगती है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।